प्रॉब्लम, एक खिलाड़ी गवाने के बाद का पिछड़ी बड़ा अक्षत वापसी होती दिखेगी आपको इनकी भी टीम के साथ। और मोक्स अभी के लिए अक्षत तरफ से आपको कंफर्मेशन आते दिख रही है, टीम सोल के लिए बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है जो कि अब तक तो नहीं हो रही टीम सोल के, बट अक्षत अगेन मेरा दाव तो अक्षत के ऊपर रहेगा बिकॉज एक 1v3 उन्होंने किया अकेले पूरी की पूरी टीम को, टीम 22 TWM की तरफ से। लेकिन अक्षत एचपी कम, अक्षत द ग्लच मास्टर हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द टीम एंड अगेन ही वुड बी डूइंग दैट। एक और कनेक्शन, एक और वैल्यू और अक्षत अब यहां से पैन करवाएंगे अपने टीममेट्स के थ्रू। ईस्टर्न रीजन को जरूर फेवर कर रहा है बट अब लॉस हेगोस के रीजन से टीम्स को निकलना हो सोल बैक टू बैक दो स्क्वाड को घर का रास्ता दिखाती हुई, और ये गलती हो सकती है बहुत ज्यादा करीब से जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि एस पावर ने उन गलतियों को सुधार दिया है, पर कंफर्मेशन निकालते जिनके ऊपर हमें कंफर्मेशन आते रखिए। अक्षत एक और खिलाड़ी साइल को भी करेंगे यहां पर डाउन एस और मूविंग फॉरवर्ड एक वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक अच्छी स्प्रे आपको यहां पर आती है किंग्स उसी इज हैविंग अ विक्टर, और वो कंफर्मेशन 10वां जो फ्रैग है वो भी आधा दिख चुका है और इसमें बैठ सकते हैं फिलहाल के लिए चारों प्लेयर। बट जिस प्लेयर पर एंगल बनाया गया था दिक्कतें बढ़ सकती है, दिक्कतें बढ़ी हैं टीम सोल के बैक टू बैक दो प्लेयर नॉक होते हुए। फायदा तो देख सकते हैं जो कि अभी के लिए तो थोड़ा सा कह सकते हैं मुश्किल होता दिख रहा है मुझे। हाँ अगर सर्वाइवल ये दो खिलाड़ी कर लेते तब चीजें बदल सकती, बट नो एसआर स्टिल गोइंग फॉर दोस फाइट्स, स्टिल गोइंग के पास है नहीं तो मेरी नजर में हर एक जगह पे आपके लिए दिक्कत बढ़ती हुई। बट ज़ैदी क्यों अभी तक के लिए ये कुछ अलग था कि थोड़ी देर के लिए लगा था कि जीवनदान मिल गया, बट जी नहीं कई सारे प्लेयर कोशिश करते हुए एस पावर यहां पे जरूर M4 with 4x connectivity बनाने की कोशिश करते हुए नजर।